नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम मौमिता है और मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अपने फेवर में यूज़ करें कि हमारी सारी विशेस इजीली मैनिफेस्ट हो सके, इजीली पूरी हो सके। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने से, कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही इजी वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है उस बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो ओम शांति ओम मूवी के बारे में फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा। उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि शाहरुख ने कहा था, डिलीवर किया था उस डायलॉग को। वो डायलॉग इस तरह से है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? अगर आपके मन में कोई भी डिज़ायर को लेके, किसी भी अपने ज़िंदगी में किसी भी डिज़ायर को लेके एक बर्निंग चाह है, एक इच्छा है उसको पाने की, तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं कि जिस पे चल के आप इजीली अपने उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब हम मेरा दूसरा टॉपिक है कि इसे अपने फेवर में यूज़ कैसे करें। अपने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम इसे यूज़ कैसे करें। तो मैं अब आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी द सीक्रेट मूवी पर, जिस मूवी में 3 स्टेप्स फॉर्मूला के बारे में बताया गया था जिसको अप्लाई करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही बेसिक है फ्रेंड, इन्हें आप जब अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे इन बेसिक्स को, तब जाके हम एडवांस टॉपिक पे, एडवांस टेक्निक्स पे जाएंगे जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। बट बेसिक यही है, यहीं से इन्हीं 3 स्टेप्स से सारा कुछ खेल स्टार्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का जितना भी प्रोसेस है इसी से स्टार्ट होता है, इन्हीं 3 स्टेप्स से। अब इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को और थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने और एक स्टेप ऐड किया है जो इस मैनिफेस्टेशन स्टेप को और थोड़ा इजी बना देगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिए बिल्कुल स्किप किए बिना, ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक जाते जाते पूरी नॉलेज मिल जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो इसमें पहला स्टेप इंक्लूड किया है, अब वो है कि आपको पहले अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अब दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है? क्योंकि 50% इंसान इसी चीज़ पे क्लियर नहीं है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। वो इसी फर्स्ट स्टेप पे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स वो ये सोचने में बिता देते हैं कि क्या हमें नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं चाहिए। हम अपनी लाइफ का 50% to 60% टाइम बस ये सोचने में लगा देते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपको क्या चाहिए, हर चीज़ पे स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपको एक ड्रेस चाहिए तो वो कौन से ब्रांड की होगी, वो कौन से कलर की होगी, वो कौन से साइज़ की होगी, आपको उस बारे में स्पेसिफिक होना होगा।
अगर आपको एक कार चाहिए तो उस कार का ब्रांड क्या है, उस कार की कलर क्या है, वो कैसे दिखती होगी, आपको उस बारे में स्पेसिफिक होना होगा। अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर इमेज बनानी होगी कि हमें ये चाहिए। अब जब हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चन पूछ लिया खुद से कि हमें क्या चाहिए, अब हम इजीली सेकेंड स्टेप पे चल सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये है फ्रेंड्स, आस्क, मतलब मांगना, मांगिए। अब आपने समझ लिया है कि आपको क्या चाहिए, आपके अंदर से आंसर आ गया है, दिल से आवाज़ आ गई है कि मुझे ये चाहिए, तो अब है आपको मांगना पड़ेगा फ्रेंड्स। मांगिए, क्या चाहिए वो आप मांगिए। अब मांगने के प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम मांगे किससे, किससे मांगे? आपके हायर सेल्फ से मांगिए। वो गॉड हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, वो वाहेगुरु हो सकता है, वो अल्लाह हो सकता है, वो यूनिवर्स हो सकता है, जिस पर भी आपकी अटूट विश्वास है, अटूट आस्था है, आप उससे मांगिए। आपको जो कुछ भी चाहिए आप उससे मांगिए। आप बोलिए, भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए ऐसे ऐसे, ये पूरी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और आप मांगिए उसे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि मांगने में हम सब बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हम बहुत सारी अपनी मन की मुराद मांग लेते हैं, हमें पता नहीं होता है वो कैसे आएगी, लेकिन हम मांग लेते हैं, मांगने में तो हम एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं इस पे क्लियर रहूँ कि सेकेंड स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको मांगना कैसे है, ओके? मुझे और इस पे डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, बिलीव, मतलब विश्वास करना। विश्वास से मेरा मतलब है अटूट विश्वास, अटूट विश्वास कि मैंने मांगा है तो भगवान मुझे ये देकर ही रहेगा, यूनिवर्स मुझे ये प्रोवाइड कर ही रहेगा, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और सपोज़ आपने कुछ डिश ऑर्डर की, मान लेते हैं चिकन बिरयानी ऑर्डर की, तो अब जब आपने ऑर्डर कर दिया, अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उस ऑर्डर के आने तक का, जब तक आपके टेबल पे वो सर्व नहीं होता है, उस ड्यूरेशन का जो टाइम है, क्या आपके मन में कभी भी ये डाउट आता है कि अगर ये मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की, अगर वो नहीं आया तो, वो ऑर्डर मेरे टेबल तक नहीं पहुंचा, किसी और को सर्व कर दिया गया, या फिर अगर मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है तो मुझे अगर डोसा मिल गया तो क्या होगा? आपने कभी ऐसा, मतलब आपके मन में ऐसा कभी डाउट आता है? नहीं फ्रेंड्स, हमारे मन में कभी ऐसा डाउट नहीं आता है, हमको पता रहता है हमने अगर चिकन बिरयानी ऑर्डर की है तो हमें वही मिलेगी। ठीक उसी तरह से फ्रेंड, आप पर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए अपने हायर सेल्फ पे, वो कोई भी है, आप जिस पर भी आपको अटूट विश्वास है, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, इतना विश्वास आपको होना चाहिए। हो गया, अब थर्ड स्टेप क्लियर है कि बिलीव करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इस सारे प्रोसेस की, जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम उस पे आते हैं, तो वो है हमारा रिसीव करना, पाना। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ, पाना मीन्स रिसीविंग मोड पे आना। रिसीविंग मोड पे मतलब है कि अनदेखे पर विश्वास करना कि आपको अभी आपने जो कुछ भी मांगा है उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार होना होगा, ग्रैटिट्यूड शो करना होगा भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये दे दिया। हाथ जोड़ के भगवान के सामने बोलिए, थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया। अगर आपकी इच्छा है एक खूबसूरत सी व्हाइट कलर की होंडा सिटी का, तो आप
भगवान को पहले से थैंक्स बोलिए कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये होंडा सिटी कार दे दी, मेरे हाथ में उसकी चाबी है। फील कीजिए, फील कीजिए कैसा फीलिंग होगा जब वो होंडा सिटी की कार की चाबी आपके हाथ में होगी। कैसा फीलिंग होगा जब आप उस कार के दरवाजे को खोलोगे तो कैसी आवाज़ होगी। कैसा फील होगा जब आप उस कार में बैठोगे, उस कार के स्टीयरिंग को पकड़ोगे तो कैसा फीलिंग होगा। उस नए कार की स्मेल कैसी होगी। फील कीजिए फ्रेंड्स, अपने सिक्स सेंस से फील कीजिए, अपने सारे सेंसेस को वर्क करवाइए। फील कीजिए आंख बंद करके, खुशी होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए फ्रेंड्स, मज़ा आना चाहिए ऐसा करते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस किसी भी ड्रीम को लेके सीरियस हो, इसीलिए मैंने कहा था पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने दिल से पूछना होगा कि आपको चाहिए क्या। और अगर आप उस चीज़ को लेके सीरियस हो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में उस आपकी ज़िंदगी में चाहिए, तो इस स्टेप में आपको मज़ा आएगा, आपको खुद ब खुद फीलिंग होगी। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि हम अगर ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़, अगर कोई ड्रेस ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें ड्रेस चाहिए तो हमें कौन सी वाली ड्रेस चाहिए, कौन से कलर की ड्रेस चाहिए, कौन से ब्रांड की ड्रेस चाहिए। हम स्पेसिफिक होते हैं अपने एम को लेके, अपने डिज़ायर को लेके, अपनी इच्छा को लेके। फिर हम चल जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, मतलब ऑर्डर करना, आक्स मतलब ऑर्डर प्लेस करना, हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, हमें विश्वास होता है, हमें उस ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे विश्वास होता है, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मिंत्रा हो, हमें विश्वास होता है उस साइट पे कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दी है तो वो साइट हमें वो डिलीवर करेगा, हमें इतना अटूट विश्वास होता है। उसके बाद आ जाता है रिसीव करना। अब हम, आप इमेजिन कीजिए, अपने सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, हमें वो ड्रेस मिलने से पहले ही हम इमेजिन करने लगते हैं कि उस ड्रेस में हम कैसे लगेंगे, उस ड्रेस को जब हम पहनेंगे तो हम, मैं खुद खुद को क्या कॉम्प्लीमेंट करूँगी, या मेरे आसपास मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे देखेंगे वो क्या कॉम्प्लीमेंट करेंगे मुझे उस ड्रेस में देख के। हम ये फील करने लगते हैं, पहले से ही फील करने लगते हैं। इसे ही मैं कह रही हूँ रिसीविंग मोड पे आना। फील कीजिए, अपने सिक्स सेंसेस से फील कीजिए कि कैसा लगेगा, कितना मज़ा आएगा उस चीज़ को पाके। तो ये था मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, रिसीविंग मोड पे आना। अब क्या करना है, अब इस रिसीविंग मोड को आप जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो उतना अच्छा। आप बार 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 इसके बारे में सोचो, फील करो। आप जितना फील करोगे, आप देखोगे कि वो डिज़ायर आपकी तरफ उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट होगी। आप जितना ज़्यादा इस फोर्थ स्टेप को अच्छे से करोगे, ये फोर्थ स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे मेरे फोर स्टेप्स, जो कि एकदम बेसिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, आपके फेवर में यूज़ करने के लिए बिल्कुल बेसिक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मैं आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी आपसे, लेकिन ये बेसिक है, आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। और आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएं हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही है, रियलिटी बन रही है। आप बहुत जल्दी फर्क महसूस करोगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे स्टेप्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए। मेरा एम है इस वीडियो के 30 लाइक्स, प्लीज़ 30 लाइक्स कर दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन फ्री है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए।
और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस में आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ उन तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो बस इतना ही, खुश रहिए और अपने आसपास खुशियां फैलाइए। नमस्ते।